नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाणं नमो समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कुनकुनाचार्य देव रचित निग्रंथाधिराज समय सार जी परमागत उसकी गाथा नंबर है 203 गाथा लेते हैं। निजराधिका है। इसके पहले आचार्य देव ने एक श्लोक बनाया है, अमरचंद्र आचार्य देव ने आत्मज्ञाति टीका में 138 नंबर का, उसका मैं सिर्फ भावार्थ पढ़ता हूँ। जैसे कोई महान पुरुष दारू पी करके मलिन स्थान में सो गया है तो उसे कोई आकर के जगाता है, उसको कहता है कि ये तेरे सोने की जगह नहीं है, ये तो गंदी जगह है, तू तो महान हो, सोने के पलंग पे तुम आ जाओ, शुद्ध सुवर्णमय धातु से बने हुए पलंग पे सो जाओ। अन्य कुधातु के भेद से रहित शुद्ध है, सोने की पथारी कैसी है, दूसरी कुधातु मिक्स नहीं है उसके अंदर, शुद्ध है, अति मजबूत है, इसलिए तू इधर आओ, मैं तुझे बताता हूँ, तुम सुनो विचारो ऐसा नहीं, तो आ मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। वहाँ सहन सहन नींद ले ले वहाँ पर और आनंद आनंद में रह जा। इसी प्रकार से ये दृष्टांत है और अनुभव प्रकाश में भी आया है दृष्टांत। तो दारू शिकार करने गया था और राजा तो वहाँ जंगल में चले गया था, फिर वो मौज मजा करते हुए दारू भी पी लिया उसने, और फिर ज़्यादा पी लिया तो बांध नहीं रहा, शाम को घर वापस आने का था, इसके बदले क्या हो गया वो, उसको होश नहीं था, तो जाने की तैयारी करता है, उतने में पैर फिसला और वहाँ कीचड़ था उसमें पड़ गया। देखो वो सब सैनिक लोग आगे निकल गए, मैं अभी आता हूँ करके गया, तो सैनिक तो आगे चले गए लेकिन ये तो पीछे पड़े रहा है ऐसा कीचड़ में गिर गया सब। वो पूरी रात सोते रहा क्योंकि शरीर दारू पीने से उसके अंग में गर्मी हो गई थी, तो कीचड़ में ठंडा ठंडा पानी जो था साथ में उससे उसको शांति लग रही थी, मजे से सो रहा था। राजा कहाँ गया, राजा कहाँ गया करके जो ढूंढने निकलते हैं वापस, तब बोलते हैं कि तुम इधर क्यों सोते हो, तुम इतना बड़ा राजा ऐसी गंदी जगह में, तू सोने के पलंग पे चल, तेरे महल है बड़े बड़े, वहाँ सो करके आनंदित हो जा। ऐसे मानुभ प्रकाश में आता है बात दीपचंद जी कासलीवाल के, यही इधर है। यहाँ दृष्टांत से अभी आचार्य देव संसार के प्राणियों को समझाते हैं। तेवी रीते आ प्राणियों अनादि संसार थी मांडी ने राग आदि ने भला जानी ने अशुभ भाव को बुरा जानते हैं और शुभ भाव को अच्छा जानते हैं, तो राग द्वेष आदि जो भाव हैं पुण्य पाप के भाव हैं उसको अच्छा मानते हैं। क्या
पुण्य पाप को भावों में अच्छा, पुण्य को भाव में अच्छा मानते हैं और पाप को क्रिया में अच्छा मानते हैं। देख लो दिन भर की क्रिया क्या है, पाप की क्रिया, वो रुचता है, कभी हाथ पीछे नहीं, डर नहीं लगता है कि मेरा क्या होगा। सांप दिख जाए तो डर लगता है, रागादि भाव दिखते हैं तो डर नहीं लगता है। पापमय जिंदगी है, पापमय भाव है पूरा दिन भर के, तकलीफ जरा भी नहीं होती है, पोटले बांध रहे। तो जो क्रिया में पाप भाव अच्छा लगता है और अंदर में क्या है, पाप भाव अच्छा नहीं लगता है, शुभ भाव अच्छे लगते हैं, पुण्य के भाव। तो यही अनादि संसार से लेकर के अब तक रागादिक को भला जानता है, उनको अपना स्वभाव जानता है कि मैं क्रोध मैंने किया, मान मैंने किया, लोभ मुझे हुआ, भक्ति मैंने की, ऐसा मानता है। जबकि ये सब आश्रव भाव है, ये जीव तत्व नहीं है, लेकिन आश्रव भाव को जीव तत्व माना कि हाथ किसने उठा उठा किया कि मैंने, तो ये तो जड़ की क्रिया है और अंदर में चेतन तो जानता है, लेकिन जानने वाला नहीं रह करके क्या हो गया, ये मैंने उठाया, मैंने खाया, खाता नहीं है आत्मा, लेकिन जड़ की क्रिया हो रही है, उसको ज्ञान में आता ही उसको भ्रम हो गया कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलना तो भाषा वर्णन कार्य है, आत्मा का कहाँ कार्य है, आत्मा तो सिर्फ जानने देखने वाला है। देखो तो उनको अपना स्वभाव जानता है रागादि भावों को, और निश्चिंत होकर के सो गया है अपना घर समझ करके, जागता ही नहीं। अभी गीता है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो। ये बात अभी आई भजन, वही बात उधर कि वो निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मोह की निद्रा में, भ्रांति की निद्रा में सो गए हैं, स्थित हैं, उसी में रहते हैं। उनको श्री गुरु कैसे कहते हैं, करुणा से संबोधन करते हैं, अरे हे परमात्मा ऐसा करके बोलते हैं, भिखारी मूर्ख ऐसा नहीं बोलते हैं, परमात्मा बोल के बोलते हैं, तू परमात्मा यहाँ कहाँ सो गया। श्री गुरु करुणापूर्वक संबोधन करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं और मीठा थपका भी देते हैं कि हे अंधे प्राणी, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देता है क्या, तुम्हारे आँख नहीं है क्या, जिस स्थान में तुम सो गए हो वो तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातुमय है, आसुवर्णमय धातु लिया पलंग, और यहाँ कैसा लिया, शुद्ध चैतन्यमय धातु है जिसमें ज्ञान 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 की पथारी है। एक बार उसमें सो जाओगे ना तो ऐसे अपनी दुनिया में खो जाओगे कि दुनिया को देखोगे भी नहीं, दुनिया दिख जाएगी तो भी तुम नहीं देखोगे, केवल ज्ञान हो जाएगा तो भी तुम नहीं देखो। ये इतनी सुंदर पथारी है, शुद्ध चैतन्य धातुमय है वो, इसमें ये पथारी कैसी है, जैसे सोने में किसी अन्य की मिलावट नहीं होती, ऐसी ऐसे चैतन्य की पथारी में दुनिया वालों की कोई भी कचरे कुंडी की मिलावट नहीं है, प्योर है, प्योर ज्ञान 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 है। बाहर में अन्य द्रव्यों के भेल सेल बिना का और अंतर में विकार बिना का, बाहर का एक रजकण भी चेतन का नहीं है और अंदर में जो रागादि भाव है वो भी उसकी पर्याय में होने पर भी उस धातु में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान की पथारी तो निर्मल पवित्र है, संपूर्ण रूप से पवित्र है। अंतरंग में विकार बिना का बिल्कुल शुद्ध है और ये पथारी का कभी नाश नहीं होता है, अजर अमर है, स्थाई है। तुम इस पद को प्राप्त हो जाओ, क्या तेरा स्थान, पद माने स्थान, सिद्ध पद सिद्ध स्थान, क्या उसको तुम पालो, शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। शुद्ध चैतन्य रूप अपना भाव माने ज्ञान, राग नहीं, अपना क्या है ज्ञान। शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आधार लो, आश्रय लो माने क्या, आधार लो, और किसी का आधार मत लो, पांच इंद्रियों का मत लो, मन का मत लो, देवगुरु शास्त्र का भी मत लो, भक्ति का भी मत लो, एक ज्ञान का सहारा लो, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ऐसा करके बताते हैं। इस तो आचार्य अमृतचंद्र देव का 138 नंबर का, उसका हमने भावार्थ पढ़ा। जब आचार्य देव ऐसे करुणा से बोलते हैं तो मोही प्राणी ने तो कभी आत्मा को देखा नहीं,
बोला मुझे तो नहीं दिख रहा है ज्ञान पद, आप इतनी तारीफ करते हो, अजर अमर है, बहुत सुखमय है पथारी और बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो लेकिन उनकी करुणा देख करके प्रश्न करने का दिल होता है कि आप जब ऐसा बोलते हो, मेरी आँख खुली है फिर भी मेरे को अंधे बोलते हो, और आप तो वितरागी हो, आप किसी को गाली देते नहीं हो, सत्य महाव्रत है, किसी का दिल दुखे ऐसी कठोर वाणी मुनियों की नहीं होती है, फिर भी आप मैं ऐसा करते हो, जरूर मेरे पे ज्यादा करुणा करते हो। आपने मुझे अंध कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, क्यों? कि मेरे हित में कुछ कहना चाहते हो आप, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, भले आपने मुझे अंधा कहा, लेकिन मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि तिलतुस मात्र परिग्रह नहीं है। आचार्य देव को क्या परिग्रह होता है? वन जंगल में रहने वाले, उनको दुनिया की क्या पड़ी है? उनको शरीर की भी नहीं पड़ी है। मात्र देह ते संयम हेतु होए जो, ये देह को भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन क्या करें, परिग्रह को तो छोड़ सकते हैं क्योंकि एक क्षेत्र अवगर नहीं है, लेकिन शरीर को कैसे छोड़े? वो तो आयु पर्यंत साथ में रहेगा, बाकी शरीर की कोई जरूरत नहीं है उनको। तो अपूर्व अवसर में आता है कि दर्शन मोह व्यतीत थई उपजे बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य न्यो ज्ञान जे, तेथी प्रक्षीण चारित्र मोह मिलो की, वर्ते एवो शुद्ध स्वरूप नु ज्ञान जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे अवसर। तो वहां देह से भिन्न चैतन्य का भान है, अपना घर देख लिया है, अपने फ्लैट बुकिंग हो गया, ओनरशिप का सब सुविधा है, कि किराए के मकान में कौन रहेगा, कौन भाड़ा भरेगा, कौन खाना खिलाएगा, कौन उसकी देख रेख करेगा, आत्मा को तो कभी स्नान करने की जरूरत नहीं है। देखो वो मेला होता नहीं है, मेला तो शरीर होता है, वो तो अपना है नहीं, उसकी रखवाली मैं क्यों करूँ? तो मुनि आज स्नान नहीं करते हैं। तो यहाँ आचार्य देव को देखते हैं, तो आपने भले ही मुझे ऐसा कहा, बहुत कड़ी भाषा में कहा कि हे अंधे, लेकिन हमको अच्छा लगता है, हमको बुरा नहीं लगा, हम अपमानित फील नहीं करते हैं, जरूर आपकी बात में कुछ मर्म है। आप गाली भी देते हो तो भी मीठी लगती है, आप प्यार से बोलते हो तो भी मीठे लगते हो, प्यार से बोलने से ज़्यादा गाली देने वाले ज़्यादा मीठे लगते हैं भव्य जीवों, क्योंकि लाड़ करते हैं तो क्या होता है, बिगाड़ होता है, डिमांड बढ़ती है, आश्रय छोड़ता नहीं है, पल्ला नहीं छोड़ता है। तो माँ क्या करती है फिर, नहीं मानता है, जा घर के बाहर, निकल जा घर से बाहर, देखो पल्ला छोड़ दे मेरा, मतलब अपने पाँव पे खड़ा हो जा। क्या मतलब है? जैसे सदगुरु भी यहाँ सारी दुनिया को छोड़ करके इधर आया, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, अब मुझे आपका ही सहारा है, तो श्री गुरु ने परख करके देखा सचमुच में वो शरण में आ गया है। जब तक शरण में आया है ऐसा निश्चित नहीं होता है श्री गुरु को, तब तक कुछ नहीं बोलता है, लेकिन शरण में आ गया फिर जोर से क्या करते हैं, थपाट लगा देते हैं, क्यों आया इधर मेरा मथा खाने के लिए, क्या तेरा सुख किधर है, मेरे पास थोड़ा है, तेरा सुख किधर है, तेरे में ही है, परमात्मा होकर के झुक जाता है, शर्म नहीं आती, ऐसा करके उसको थप्पड़ मार देता है। ओशोवाणी जी में आता है 225 नंबर द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, एक गुरु शिष्य का संबंध ही कोई अलौकिक है, निस्वार्थ है, करुणा भरी पड़ी है, अनंत सिद्धों का पत्रिका देने आए हैं गुरु, क्या सिद्धों की नगरी में मुक्ति रूपी सुंदरी की शादी होने वाली है, तो उसमें श्री गुरु को भेजा है, जाओ सबको पत्रिका बांध के आ जाओ, और पत्रिका देने आए हैं, कौन आए हैं, श्री गुरु आए हैं, भगवान का संदेश लेकर के आए हैं। तो फिर गुरु को पूछता है कि हे गुरुदेव मेरा पद कौन सा है, आप मुझे दिखाइए, क्या मेरा पद कौन सा है, मेरे को लिख करके दे दो, मैं बाद में सोच के देखूंगा, पढ़ लूंगा, सोच लूंगा, सब करूंगा। नहीं ऐसा नहीं,
हे गुरुदेव, आप जिस पद की बात करते हो कि मेरी पथारी तो शुद्ध चैतन्य धातु में है, मुझे नहीं दिखती है। तो हे गुरुदेव, वो कौन सा पद की बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई दिखाई देता नहीं है, चश्मे से ही देखता है। और किसको ढूंढता है? चश्मे को ही ढूंढता है, ऐसे ज्ञान से ही देखता है सबको और उधर उधर देखता है। आप शुद्ध चैतन्य में धातु की बात करते थे, किधर भी दिखाई नहीं देता है। वो ज्ञान से ही देख रहा था लेकिन ज्ञान का पता नहीं था। पूछता है गुरुदेव को, हे गुरुदेव, वो कौन सा पद है जिसमें आराम से सोने के मेरे को बोल रहे हो, आराम से रहने के लिए मेरे को बोल रहे हो, निश्चिंत होकर के रहना, परम सुख मिलेगा ऐसा बोलते हो, फिर दुख कभी आएगा भी नहीं ऐसा बोलते हो, तो ऐसा पद कौन सा है? आप मुझे दिखाइए, आप मुझे उसकी कथा सुनाइए, उसकी महिमा गाइए। मुझे नहीं सुननी है महिमा फहिमा, मुझे तो देखना है। आप इतने विश्वास से कहते हो तो मुझे भी देख लेना है। इस प्रश्न के उत्तर में गाथा नंबर 203 है, निजरा अधिकार ग्रंथाधिराज समय साकी। प्राकृत भाषा में आचार्य कुनकुन भगवान ने पोनुरील पे लिखा है, आदमी दव्य भावे अपदे मोत्तुण गिण त इणदम थिर में गमीमम भावम उलंबम तम सहावेण। अब हरि गीत जो पूज्य बेंस जी के जयेश बंधु हिम्मत भाई पंडित ने बनाया है गुजराती में, हरि गीत। जीव पद भूत द्रव्य भाव छोड़ी ने ग्रह तू यथा स्थिर नियत एक ज भाव जे स्वभाव रूप उपलभ्य स्थिर नियत एक ज भाव जे स्वभाव रूप उपलभ्य। गाथा नंबर 203 गाथार्थ, आत्मा मां अपद्भूत द्रव्य भावों ने छोड़ी ने निश्चित स्थिर एक आ भाव ने जे स्वभाव रूपे अनुभवाय छे तेने जेवो छे तेवो ग्रहण कर, ते तारू पद छे। गाथार्थ बोलता है, आत्मा में अपद्भूत द्रव्य भाव है। अपद्भूत माने क्या? आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, मतलब मेहमान होते हैं वो क्या होता है? आते हैं और वो क्या हमेशा नहीं रहते हैं, और घर वाले क्या होते हैं? साथ में रहते हैं। किधर गए बाड़गांव थोड़े दिन के लिए तो वापिस आ जाते हैं, अपना घर तो यही है करके देखो। तो आत्मा में अपद्भूत, आत्मा के साथ ये शरीर है लेकिन वो तो 5-50 साल में बिछड़ जाएगा, दूसरे बहुत सारे संबंध हैं रिलेशन के, वो भी मिलते हैं बिछड़ते हैं। देखो ये अपद्भूत है, ये अपना स्थान नहीं, ये अपने नहीं। और अंदर में जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो तो पल पल में बदलते हैं, वो अपने कहाँ? क्या ये अपद्भूत अस्थिर है, ये जो स्थान है वो कैसे हैं? सब शरीर आदि राग आदि सगे संबंधी कुटुंब परिवार सोसाइटी ये सब क्या है? अड़ोस पड़ोस मकान दौलत इज्जत ये सब क्या है? ये अपद्भूत है। ऐसे द्रव्य भावों को छोड़ देना, छोड़ देना माने क्या? अलग है ऐसा ज्ञान करना, छोड़ना मतलब काटना नहीं उसको, अलग है ऐसा ज्ञान करना मतलब वहां से मोह भाव निकाल देना। छोड़ने का मतलब क्या? ये मेरा है ऐसा मानना छोड़ देना, शरीर मेरा ऐसा मानना छोड़ दो। तो छोड़ दिया शरीर को आपने, जीते जी छोड़ दिया। मरने के बाद तो सबको छोड़ना पड़ता है मरने के टाइम में तो, लेकिन शरीर रहते हुए भी ये मेरा नहीं है, ये तो ऊपर का पैकिंग है सिर्फ। ऐसा अभिप्राय में आ जाना, इसने शरीर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, जीते जी,
ऐसे जिसको आत्मा का दर्शन करना है उसको जिंदा मरना पड़ेगा एक दफे, तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा बिल्कुल अकेला हूँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर अपना नहीं है तो कुटुंब परिवार सगे संबंधी सोसाइटी घर बार मकान अड़ोस पड़ोस रुपया धन दौलत मोटर गाड़ी वाड़ी लाड़ी कहाँ से अपनी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और जब तक आत्मा के दर्शन नहीं हुए तब तक सबके लिए मैं आज ही जिंदा मर चुका हूँ। क्या वो लोग मोही प्राणी हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको बेचारे को पता नहीं, लेकिन आपकी आँख खुल गई है, श्री गुरु का शरण मिला है, अब आप गलती नहीं करना, ये अवसर है, तो जिंदा मरने का अवसर है। लोग मृत्यु के समय में तो क्या होगा क्या मालूम, सुध बुध रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन जिंदा मरना तो बहुत आसान है, सब निर्भर, कोई मृत्यु के समय में कोई चिंता अगर है तो भी क्या कर लोगे, कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसे जीते जी सारे पदार्थों की चिंता छोड़ देना है, किसी की भी चिंता नहीं करना है, कोई अपना नहीं है, सब मेहमान है। एक ट्रेन में जा रहे थे तो सब कोई शुरू से चले और बीच में उतर गए, कोई बीच में से चले और आगे उतर गए, हम भी मेहमान उस ट्रेन के अंदर, हम भी कहीं से चले और कहीं उतर जाते हैं, कोई अपना तो है नहीं कोई। तो ये सब के ये जो संबंध कैसे हैं, अपद्भुत हैं, अपद्भुत द्रव्य अपद्भुत भाव, इनको छोड़ना माने ये मेरे हैं ऐसा नहीं मान, साथ में रहो कोई बात नहीं, खाना भी खाओ कोई बात नहीं, व्यापार धंधा भी करो लेकिन दुकान मेरी नहीं, घर मेरा नहीं, बच्चे मेरे नहीं, ऐसा कोई सगे संबंधी मेरे नहीं। साथ में रहने में तो पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, लेकिन अभिप्राय से साथ में मत रहो, अभिप्राय से सबसे मुक्त हो जाओ, ये कोई एक रजकण भी मेरा नहीं है, ऐसे छोड़ दो। छोड़ी ने निश्चित स्थिर, निश्चित माने क्या, कभी नहीं जाते, स्थिर रह जाते हैं, निश्चित माने दोलायमान नहीं होते हैं हमेशा, और स्थिर माने हिलते डुलते भी नहीं, ऐसा एक आ वो एक है, और बाकी सब द्रव्य भाव कितने अनेक हैं, और ये क्या है एक कौन आ, आ माने क्या, वो नहीं बोले क्या बोले आ, आ माने क्या, शिष्य ने प्रश्न किया कि मुझे दिखाओ, तो उन्होंने दिखाया, देखो वो नहीं आ, नहीं अंग्रेजी में नहीं आता, दिस और दैट का फर्क क्या है, दिस और दैट का फर्क, दिस इज हैंड दैट इज ट्री, दैट बोले तो बहुत दूर है, और दिस माने क्या, इधर सामने दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है ना वो दिस, ऐसा यह आचार्य देव ने क्या शब्द यूज किया, मतलब हाजरा हजूर सामने दिख रहा है, उसने पूछा था दिखाओ, देखो एरा सब द्रव्य भावों से छूट करके कैसा निश्चित स्थिर एक आ, आ का मतलब प्रत्यक्ष आंखों के सामने, और कौन सी आंख के सामने, ज्ञान की आंख के सामने, अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष और अनुभव गोचर, उसके लिए बेंसिन ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, जाग तो जीव उभो छेते क्या जाए, 306 नंबर है बेंसी बिन का, उतना मतलब गुरुदेव को सबसे ज़्यादा पसंद था ये मंत्र, शुद्ध गुजराती भाषा में प्रत्यक्ष अनुभव गोचर आत्मा कैसा होता है उसका बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्ड है ना, तो ये जागतो जीव उभो छे हाजर है, ते कहाँ जाए, परमात्मा नहीं खो गया है, तेरी दृष्टि खो गई है, तू उल्टा बैठा है समुंदर के किनारे, तू पीठ लगा करके बैठा है, क्या तू उल्टा है, समुंदर उल्टा है कि तू उल्टा है, कौन उल्टा है कि नहीं, समुंदर उल्टा है मैं तो सीधा हूं ऐसा बोलेगा कोई नहीं, परमात्मा तो उल्टा ही है, हाजर है, महान है, उसकी मोजों की आवाज आ रही है, ज्ञान के परिणाम अनुभव गोचर है, वो आवाज कैसी है, अनुभव गोचर है, ज्ञान 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 हरिओं सत सत ज्ञान ज्ञान दबके, देखो ये ज्ञान 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 हर पल में ज्ञान होता है कि नहीं होता है, हर सेकंड में ये क्या है,
इस ज्ञान रूपी समुन्द्र के लहरें हैं ये सब, कोई लहरें नहीं दिखाई देती है, ये प्रत्यक्ष है, ढूंढना नहीं है, प्रत्यक्ष ढूंढना इसको जो छुप गया हो, ये तो सामने ही है, ज्ञान बिल्कुल सामने अनुभव में आ रहा है। सूरज को कोई छुपा सकता है? ज्ञान सूर्य को कोई छुपा सकता है? कोई नहीं छुपा सकता। देखो आवरण डाल सकते हो बीच में, नहीं दिखे इसलिए, लेकिन छुपा सकते हो? छुपा नहीं सकते हो। ऐसे आत्मा है, प्रत्यक्ष है बिल्कुल। अगर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता तो दुनिया का बांध किसको होता, ये आवाज कौन सुन रहा है? कुछ नहीं, कोई विचार नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाज आवाज सुनाई देती थी। अब अगर हमने ऐसा अभिप्राय किया को आवाज बंद हो जाए तो आत्मा का दर्शन होगा, बिल्कुल गलत। क्यों? कि ये जानने का काम आत्मा बंद कर देवे, ऐसा सोचते हो आप? क्या ऐसा नहीं करना है? आप में नहीं है, आपको तो सिर्फ सुनाई देता है, आप में घुस नहीं जाते आवाज है कुछ, ये तो आपको प्रतीति करा रहे। देखो विचार नहीं है तो भी आप हो, देखो फिर आवाज कौन सुनाई सुनता है? ज्ञान तो सुनता है, कान थोड़े सुनते हैं। तो उल्टा आपको तो वो तो जो भी आवाज आती है वो किस में हेल्प करती है, ये प्रूफ है कि आत्मा हाजिर है, विचार नहीं है लेकिन आत्मा तो हाजिर है, नहीं तो ये आवाज कौन सुनता? देखो ज्ञेय के ऊपर नजर डालोगे तो आवाज है, और ज्ञान के ऊपर नजर डालोगे तो परमात्मा है। वो तो नजर का कमाल है, किसको देखना है, नजर नजर की बात है। तो वो तो आस्व परिसव नहीं, इनमें संदेह मात्र दृष्टि की भूल है। नजर किसकी भूल है? नजर। हमको 10 ग्राम सोना दिखता है मिट्टी में, और जवेरी को क्या दिखता है? 8 ग्राम सोने का पैसा मिलेगा। क्यों? इसमें मिलावट है, प्योर नहीं है कुछ, 24 कैरेट नहीं है कुछ। देखो नजर नजर का कमाल है, ऐसा इधर क्या है, नजर का कमाल है। आपको आवाज सुनाई देती है, और जो ध्यानी है आत्मा के प्रेमी है उसको उसमें आत्मा आत्मा दिखता है, ज्ञान 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 दिखता है, उसको आवाज सुनाई नहीं देती। जिधर लक्ष्य रखोगे वो सुनाई देगा, वो दिखाई देगा। आवाज को देखोगे तो आवाज सुनाई देगी, और ज्ञान को देखोगे तो ज्ञान दिखाई देगा, क्योंकि ये हाजिर है। नोट गिनते वक्त बैंड बाजे की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? 100-100 के 10,000 का थप्पा है, लेकिन बैंक का सील है, लेकिन 2 बार गिना 99 आ रहा है, बैंक वाले पे विश्वास रहता है कि 100 तो होना ही चाहिए, अभी और एक बार गिन लो। इतने भारत के दमादम चल रही है, आवाज कान में घुस जा रही है, लेकिन डिस्टर्ब होता है। ये आत्मा को देखने बैठा तब डिस्टर्ब क्यों होता है? ऐसी शरत क्यों कि आवाज बंद हो जाए तो दिखेगा? आवाज में दिखेगा क्या? ज्ञान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है क्या? ज्ञान तो प्रत्यक्ष हाजरा जो है, ये बात कहते हैं कि अपद्भुत द्रव्य भावों को छोड़ करके, मतलब इसको मेरा मानना छोड़ करके, ऐसा अलग नहीं करना है बेटा, अब तुम अलग हो जाओ, भाई को बोलो तुम अभी डाइवर्स ले लो, ऐसा अलग नहीं करना है। दुकान को तुम बेचने नहीं है, कुछ चप्पल नहीं पहनूंगा, नहीं वो नहीं पहनूंगा, ऐसे मूर्ख बहुत हैं, 20 साल से नया नहीं चप्पल नहीं पहना पे, लेकिन आत्मा का कल्याण तो नहीं हो रहा है। ऐसे तो हम भी अनंत बार कर चुके, त्याग वैराग्य सब, क्या फायदा होगा क्या? हमारे पास आते हैं पगड़ी वाले मूर्ख क्या, ऑल ओवर इंडिया के प्रेसिडेंट है, धर्म के पुसड़े क्या, लेकिन क्या होता है वो ऐसा ही प्रॉब्लम यही है उनका, घर में चप्पल नहीं पहनते हैं, नहाते नहीं हैं, एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते हैं, मर जाते हैं, नसीब में खाना नहीं लिखा है, मैं तो बोलता हूँ क्या है, तो अबजपति करोड़पति फायदा क्या, घर में नहीं रहते हैं, फिर कहाँ रहते हैं, थानक में ऐसे आते हैं, कभी याद आ गई कुदरती उनकी, कैसे की याद आ गई यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसे छोड़ना नहीं है पदार्थों को, ये मेरे हैं ऐसा भाव में छोड़ देना है, साथ में रहते हुए भी शरीर मेरा नहीं है ऐसा भाव में छोड़ना है। पहले भाव में छोड़ना होता है, फिर अंदर में आत्मा मिल जाने के बाद, अंदर स्थिरता होने के बाद
आचरण से छूटता है धीरे धीरे, जब संपूर्ण छूट जाता है तब परमात्मा बनता है। ये तो भाव में पड़ा है सब कुछ, जमीनों के सौदा कर रहे हैं भाव में, तो थानक में पंचायती लगाई है क्या? देखो सब कुछ, जिसको तकलीफ हो थानक में आ जाना, मैं सब ठीक कर दूंगा, इतनी सारी गांव की पंचायत करते हैं देखो। लेकिन बाहर से सब छोड़ा है तो क्या छोड़ा है? कुछ छोड़ा नहीं, बाहर से छोड़ना हो छोड़ना नहीं है, द्रव्य भावों को अंतर से ये मेरे हैं ऐसे मानना छोड़ देना, इसका नाम छोड़ना हुआ। छोड़ करके क्या करना फिर? निश्चित है ग्ने पलटते हैं, ज्ञान नहीं पलटता है, लहरें पलट जाती हैं, समुंदर नहीं पलटता है, ऐसा निश्चित है। वहाँ का वही रहता है, स्थिर है। ये अस्थिरता है वो अवस्था में, और स्वरूप में तो स्थिरता है। ऐसा ये जो ज्ञान है कैसा है? वो प्रत्यक्ष अजरा अजूर आंखों के सामने दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? अनुभव में नजर में आता है। ठंडी की लहर आती है तो कैसा होता है? कोई आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, कैसे होता है? स्पर्श इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ता है, अनुभव को चल। ऐसे अंदर में ज्ञान को कैसे देखो? ज्ञान में अनुभव करो, ज्ञान को ज्ञान में अनुभव करो। हाजर हाजूर है, कोई भाग नहीं गया है परमात्मा। क्या कहते हैं? एक निश्चित स्थिर एक आ प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भाव ने पहले द्रव्य को नहीं पकड़ाते हैं, पहले किसको पकड़ाते हैं? भाव। शक्कर भी सफेद है, नमक भी सफेद है, तो द्रव्य से नहीं, पहले लक्षण से पहचानो कि ये चख करके ये खारा है सो नमक है, मीठा है सो शक्कर। ऐसे पहले तो इसे यहाँ भी आत्मा को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना? लक्षण से। तो पहले द्रव्य से नहीं, पहले भाव से प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ये जानना 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 जानना, ये पर्याय कहाँ से निकली? ज्ञान गुण में से निकली ये भाव। और कैसा है वो भाव? कि जे आत्मा ना स्वभाव रूपे अनुभव में आ रहा है। स्वभाव रूप से अनुभव में आ रहा है माने क्या? अगर स्वभाव होगा तो कभी अपने को छोड़ करके जाएगा नहीं। इसको बंद करना चाहो तो बंद होगा होगा। देखो ज्ञान को बंद करके देखो, आंख को बंद कर सकते हो दखन है, कान में रुई डाल सकते हो क्या, लेकिन ज्ञान को बंद करके देखो। इसका मतलब क्या? कि जिसको चाह करके भी हम बंद नहीं कर सकते हैं। बेटे को घर से निकाल दोगे सब लोग, वो झगड़ा करेगा तो, लेकिन दिल से निकाल सकोगे? कितना भी हो लेकिन बेटा तो उसका उसका ध्यान कहाँ है? दिल में है। दिल से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ ये बात है कि जे आत्मा ना स्वभाव रूपे अनुभव में आता है, मतलब ये ज्ञान है वो कैसा है? ऐसा लगता है कि आत्मा में है, ये मेरे स्वभाव में घुस गया है, स्वभाव है मेरा, घुस गया क्या है? अनुभव में आ रहा है कि मैं ज्ञान मात्र हूं इधर। तेने हे भव्य, देखो क्या बोलते हैं, पहले अंधा कहा था, अब क्या बोल रहे हैं? क्यों पहले अंधा क्यों कहा था और अब भव्य क्यों कह रहे हैं? कि अंधा कहने के बावजूद भी वो रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे बताइए मेरा आत्मा कैसा है, जिस पद की बात नहीं। तो कोई क्या करते हैं, अंधा बोलते हैं तो क्या करते हैं? नहीं सुनना है आपकी बात, मेरे को अंधा कहते हो तो मान आ जाता है, तो चरणों में झुकता नहीं, उल्टा गाली देके जाता है ज्ञानियों को भी। ये नाक बीच में आता है समर्पण भाव में, इसलिए कृपाणियों ने लिखा कि माना अधिक शत्रु महा निच्छंदे न मराए, चाहता सदगुरु शरण म अल्प प्रयास है जा। ये मान बीच में आता है कि मैं कैसे झुकूं? अरे भैया तुम परमात्मा तो हो,
सभी जीव परमात्मा है, लेकिन एक बार तुझे झुकना तो पड़ेगा सदगुरु के चरणों, इसके बिना तुझे आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। क्या तुझे भान नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूँ? वो भान के लिए गेट पास कहाँ से लेना है? सदगुरु से लेना है, जरूरी है, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। करोड़पति हो और जेब में से चार आने गिर गई है, क्या करेगा वो? नीचे गिर गई तो क्या करेगा? झुकना पड़ेगा ना। चार आने के लिए भी झुकता है तो परमात्मा के लिए नहीं झुकोगे? प्रश्न है एक कि चाराने उठाने के लिए झुक जाते हो, जिसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। चाराने में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है आजकल। और चाराने भी अपने बेकार का कौन जाने देगा, तो उठा तो लेता है, लेकिन उसके लिए झुकना पड़ता है। परमात्मा की वैल्यू चाराने भी नहीं है क्या? क्या प्रश्न है? अपने आप से पूछ लेना। ये नाक को काट के फेंक दो, ये मान है ना। वो बेंती के वचन में आता है कि मान केवल ज्ञान को भी रोक लिया, बाहुबली जैसा को। ये मान, ये दीन पड़े का मान कि मैं भरत की जमीन पे खड़ा हूँ। एक साल तक बाहुबली जैसी कोई तपस्या किसी ने नहीं की होगी। तो सब देव भगवान का वर्षी तब सबको मालूम है क्या? बाहुबली एक साल तक वहीं खड़े रहे, एक साल तक खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं किया। खाया पिया छोड़ो, एक कदम भी नहीं उठाया। शरीर पे बेल आ गई, सर्पों ने राफड़ा बनाया वहां पर, वो किसी को नहीं दिखा। किसने रोका? मान ने रोका, मैं भरत की जमीन पे खड़ा हूँ। खलास। कौन सा मान था वो? ये तो बावलंगी मुनिराज थे, उनको कौन सा मान रहता है? अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के संजोलन का, संजोलन का मान केवल ज्ञान को रोकता है। देखो तो फिर इसका क्या बात करें, हमारे जैसे तो क्या बात करें। ये मान को तो निकालना है। जाता सदगुरु शरण मां को प्रयास है जाए, मेहनत नहीं करने पड़ेगी, झुक जाओ। गरजवान झुकता है, जिसको परमात्मा से प्रेम है वो देहधारी परमात्मा को चरणों में झुक जाता है, दूसरा नहीं झुकता है, दूसरे की ताकत भी नहीं है। सर्वसमर्पण भाव कौन करे? क्या जिसको अपने परमात्मा से प्रेम है, बहुत अनंत काल बीता, बहुत भटका, हे भगवान हूँ भूली गए, भटके हो, आथड़े हो, रजड़े हो, अने अनंत संसार नि विटंबना पड़े हो, अनंत भाव चले जाते हैं। एक मान रोकता है बीच में, एक समापना में आता है कि हे भगवान भूल ही गए, बहुत भटका, बहुत भटका, अब नहीं भटकना है, ऐसा करके निश्चय करके अपने भावों को समर्पण कर देना। हे परमात्मा हवे हुआ तमारू, तमारा धर्म नू, तमारा मुनि नू शरण ग्रहण छे, तमारा कहेला तत्व ना चमत्कारो मारा स्वरूप नो प्रकाश करे छे। जो कैसी कैसी बात ली, कृपावली ने 16 साल की उम्र में लिखी समापन। जेम जेम विचार थी ऊंधो उतरू छू, तेम तेम तमारा तत्व ना चमत्कारो मारा स्वरूप नो प्रकाश करे छे। कैसी बात ली है, कृपावली की लैंग्वेज, उनके अंतर के भाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वचन में वो ताकत। कहते हैं कि ये आत्मा निश्चित स्थिर एक आ भाव, कैसा भाव? कि जे स्वभाव रूपे अनुभव में आ रहा है तेने ये भव्य, अब भव्य बोले, पहले अंधा बोले, अब भव्य बोले, क्योंकि मान गिर गया ना उसका। इतने गाली देने के बाद भी वो चरणों में झुक रहा है कि हे गुरुदेव मुझे मेरा पद दिखाओ, मेरे पद की कथा सुनाओ, नहीं बोला। देखो समय सर में हर जगह अवलोकन है, दिखाओ बोला है, इधर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो रुक जाए, रुक गया, नहीं तो किताब दे दो मैं पढ़ लूंगा। पढ़ना नहीं, कह दो मैं सुन लेता हूँ, बाद में सोचूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, पीसूंगा उसको अच्छी तरह से मन की चक्की में। ऐसे विद्वान लोग यही करते हैं, मन की चक्की में तत्व को पीसते हैं और कोरे के कोरे रह जाते हैं, जबकि तत्व तो देखने की बात है।
कहने सुनने की सोचने की बात नहीं है। दिखाओ, और यहाँ दिखाते हैं तो देखने को आया कि मुझे दिखाओ, शिष्य बोलता है तो क्या बोलते हैं कि भव्य जेवो छे ते वो तू ग्रहण कर, जैसा ये ज्ञान है जैसा है वैसा तू ग्रहण कर ले, कुछ भी मेला नहीं हुआ है, पूर्ण रूप में है, अब उसमें कुछ बाहर से कुछ आएगा नहीं, अंदर से कुछ जाएगा, परिपूर्ण है तत्व, बाहर में से एक गजकण भी अंदर घुसेगा नहीं, और अपने में से अनंत गुण में से एक भी गुण अंदर यहाँ से बाहर जाने वाला अनंत काल में नहीं गया, अभी भी जाएगा नहीं। जैसा अखंड तत्व है, परिपूर्ण निरालंबी पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ, अनंत शांति का पिंड, उसको जैसा है वैसा तू ग्रहण कर ले, मतलब स्वीकार कर ले कि तुम परमात्मा हो। ग्रहण करना माने क्या? स्वीकार कर कि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूं, भगवान से भी मैं ऊंचा हूं, जिनेंद्र भगवान से भी मैं ऊंचा हूं। इसलिए आत्मख्याति में वो श्लोक नहीं आता है पहला नंबर का, नमो समय सारा है स्वानुभूत्या चकास्ते, हम यहाँ नमस्कार मंत्र के बाद पहले ये मंत्र बोलते हैं, मंगलम भगवान वीर बाद में बोलते हैं, अपना जहाँ रोज स्टार्ट करता हूँ ना जो, तो नमस्कार मंत्र पहले, क्योंकि अनादि मूल मंत्र है वो, इसके बाद नमः समय सारा है। तो मंगलम भगवान वीर बाद में क्यों? कि महावीर भगवान से भी मैं ऊँचा हूँ, मेरा आत्मा महावीर भगवान से भी ऊँचा है, तो पहले किसको नमस्कार करना? नमो समय सारा है स्वानुभूत्या चक्कर, अनुभूति में प्रकाश माने, तो आत्मख्याति में ये तुमने तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, भारतनाथ भगवान का, महावीर भगवान का, और आत्मा को नमस्कार कर दिया, ऐसा क्यों किया? अभी संसार में भटकते हो, अभी छठे सातवें गुणस्थान में हो, और आचार्य देव को कोई प्रश्न करता है कि चौदहवें गुणस्थान वाले शिव भगवान को नमस्कार नहीं किया, तेरहवें गुणस्थान वाले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार नहीं किया, और आत्मा को नमस्कार कर दिया, तो वहाँ उन्होंने खुलासा किया, अपने यहाँ चल गया है समय सा स्टार्टिंग से, तो मेरा आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, शिव भगवान का सुख अनंत सुख है, लेकिन मेरे को क्या देते हैं उन्होंने, एक बिंदु देते हैं क्या, दे सकते हैं क्या? और ये तो मेरे को, मेरा भगवान तो मेरे को बूंद नहीं, क्या देता है? शांति का समुन्द्र देता है, तो मैं किसकी वैल्यू करूं, भगवान चित भगवान की करूं कि मेरे भगवान की करूं क्या? इसलिए मैं चित भगवान को नमस्कार नहीं करूंगा। सगवाणी जी बोलते हैं कि मुझे गुरुदेव का वो वचन बहुत पसंद है, कौन सा वचन? कि उन्होंने ऐसा कहा कि भैया तू चित भगवान जैसा वैसा नहीं कहा, क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि तू शुद्ध सिद्ध भगवान जैसा है ऐसा नहीं, क्या तू सिद्ध भगवान हो ऐसा भी नहीं, क्या कहा उन्होंने? तू सिद्ध भगवान से भी अधिक हो, ऐसा कहा। सौगानी जी को बहुत पसंद आया, वाह सिद्ध भगवान से भी मैं ऊंचा, उससे अधिक क्या हो सकता है, उनसे अधिक से क्या हो सकता है, सिद्ध भगवान से अधिक कौन हो सकता है? हाँ एक है, तुम स्वयं हो उनसे अधिक, क्योंकि सिद्ध वो सुख अनंत सिद्ध है, तुमको सुख देते हैं, तुम्हारा सगा भाई करोड़पति है, तुम्हारा कोई बिजनेस का ठिकाना नहीं है, लोन मांगे तो देते नहीं, और अड़ोस पड़ोस में कोई दया खाता है कि तुमको 1.5 लाख रुपए लोन देता है, तुम्हारे लिए कौन बड़ा? सिद्ध भगवान क्या करेंगे, बुलाते हैं कभी अपने को? उल्टा हमको बुलाना पड़ता है, पहली गाथा में आचार्य देव ने बुलाया है, ये अनंत सिद्ध भगवान इधर आ जाओ, मंडी तू सब सिद्ध है, देखो वो तो अपने को बुलाते नहीं, वो तो चले गए, वाणी से भी उपदेश नहीं देते हैं। इसलिए हम स्वार्थी लोगों ने क्या किया, सिद्ध भगवान से पहले किसको नमस्कार किया? अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, क्यों? कि केवल ज्ञान दोनों को है, और सिद्ध भगवान को 8 कर्म का नाश है, और उनको भी 4 कर्म बाकी है, फिर भी हम स्वार्थी हैं, सिद्ध भगवान को नमस्कार नहीं, अरिहंत भगवान को नमस्कार, ठीक किया क्या? ठीक किया, ऐसा ही उल्टी सुलटी बातें हैं बहुत है, क्या सिद्ध भगवान से भी अधिक वो सोगाणी जी को बहुत अच्छा लगा, असल में सोगाणी जी को वो अच्छा लगना चाहिए, कौन सा? गुरुदेव का पहला मंत्र जो उन्होंने सुना था, ज्ञान जुदा और
लेकिन वो अच्छा नहीं लगा इतना, वो तो प्रयोग का वचन था और ये क्या था, ये आत्मा की महिमा का वचन था कि मेरे इस दुनिया में मेरे से ऊंचा कोई नहीं, गुरुदेव ने मुझे बताया। वाह, ऐसा मैं सदगुरु को गुरु कहता हूँ और मुझे उससे भी ऊंची पदवी बताते हैं, वो मेरे को क्या देखते हैं, परमात्मा। वो आदमी सरेंडर ना हो जाए तो क्या करें, क्या सबको अच्छा लगता है ना सुनना परमात्मा परमात्मा। भिखारी को परमात्मा कहो तो क्या बोलता है, खुश खुश हो जाता है, ऐसे भले ही भीख मांगता हो। सदगुरु की महिमा यहाँ से आ जाती है। विद्वान कभी नहीं कहेगा, वो कहेगा तो ये पढ़ करके बोलेगा कि तुम परमात्मा हो, और सदगुरु नज़र पड़ते ही बोलेंगे कि तुम परमात्मा हो, फर्क है नज़र नज़र का। वो पढ़ करके सुन करके सोच करके बोलेगा, उनको सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों दिखाई देता है सब परमात्मा है, सोचना क्या है, सामने ही देखे हैं सब परमात्मा, फर्क है बहुत बड़ा। तो ये जो आत्मा, ये जो ज्ञान है वो स्वभाव रूप से अनुभव में आता है, इसको तू जैसा है वैसा ग्रहण कर ले, ये तेरा पद है, ये ज्ञान पद है वो तेरा पद है। ये हमने इधर गाथार्थ लिया, टीका नहीं लेते हैं, डायरेक्ट भावार्थ लेते हैं क्योंकि शॉर्ट में लेना है अपने को। पूर्वे वर्ण आदि गुणस्थान पर्यंत भावो कया था, वर्ण आदि कर ले, ये स्पर्श रस गंध वर्ण की, ये छह द्रव्यों की चर्चा, सात तत्वों की चर्चा, 14 गुणस्थान, 14 मार्गणस्थान, क्या इतना सब विस्तार से, सामान्य गुण, विशेष गुण, चार अभाव, बहुत विस्तार कर दिया आगे जीव जीवाधिकार में। ये सबके सब भाव आत्मा में अनियत है, गुणस्थान नियत नहीं है, अनियत है, अनेक है भाव, तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है और व्यभिचारी है। व्यभिचारी का मतलब क्या, धोखा देते हैं, हम आपके हैं आपके हैं और फिर चले जाते हैं बिना पूछे, सब हजामत करवा लेते हैं, नहलाना धुलाना उठाना फिराना सब, और आखिरी में बिना नोटिस, भाई तुम कौन मैं कौन, इसको क्या बोलते हैं, लोक में जो गणिकाएं रहती हैं उनको व्यभिचारी कहते हैं। क्या ये परस्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये सब क्या है, व्यभिचार के भाव। वो अपने दाम्पत्य जीवन में जो सात फेरे लेकर के जो कोल करार किया था उसको वफादार नहीं है, बेईमानी किया है उन्होंने, तो व्यभिचार किया है उन्होंने, ऐसे ये जो जितने भी भाव हैं सब कैसे हैं, आत्मा को धोखा देने वाले हैं। जब तक आत्मा सेवा करे तो भी, कितनी भी सेवा करे तो भी वो अपनी जात पे आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और देखते नहीं कि वो आत्मा कितनी दुखी होगी, इतना सेवा कर लिए करा लिए आत्मा से, आत्मा उसके लिए नरक में जावे शरीर की सेवा करते करते, खिला पिला करके दवा वगैरह सब, और उनको शरीर को जरा भी दया नहीं आती है कि मेरे लिए वो नरक में जाता है और मैं उसको बिना पूछे चले जाऊँ, कैसे होता है, कम से कम जाना है तो भी प्रेम से समझा करके, मैं तुम रोना नहीं, दुखी नहीं होना, थैंक्स बोल के भी नहीं जाता है, सीधा चाय पीते पीते चले गए, आधी चाय बाहर आधी चाय अंदर। ये सब ये भाव कैसे हैं, सब क्षणिक और व्यभिचारी भाव। आत्मा स्थाई है, इसके सामने आत्मा कैसा है, स्थाई, सदा विद्यमान है, कभी आपको नहीं छोड़ता है, ये तो आपने परमात्मा का साथ छोड़ा है, परमात्मा ने कब आपका साथ छोड़ा है, देखो कभी प्रेम की वो बात आती है, कहते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा है, अपना आया था ना इसमें डाला था, अब इसके पहले मैं डाला था, कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, कभी प्रेम कहते हैं कि नहीं नहीं देखो भैया, जा गौर से देखो, तुम परमात्मा के अंदर हो, क्या परमात्मा हमारे अंदर, तो परमात्मा कैसे, हम परमात्मा के अंदर हैं, कैसा मतलब, हम परमात्मा के पुतले हैं, हम परमात्मा हैं, जरा बहुत गहरा मीनिंग है उसका, बहुत गहरी नज़र चाहिए परखने के लिए। परमात्मा के भीतर, हमारे भीतर परमात्मा नहीं, परमात्मा के भीतर हम हैं, ऐसा लेना है, क्योंकि हम कौन है, एक अवस्था है, और अवस्था किसकी है, परमात्मा की है, तो हम परमात्मा के अंदर, हमारे भीतर परमात्मा, पर्याय में परमात्मा कैसे आएगा,
कवि प्रेम बोलता है ऐसा, यहाँ बोलते हैं कि आत्मा कैसा है, सदा शाश्वत है, स्थाई है, सदा विद्यमान है, और ये सब राग द्वेष आदि भाव सब अस्थाई है, कभी हमेशा टिकने वाले नहीं है। इसीलिए आपको मकान चाहिए तो कैसा मकान चाहिए, एक साल में गिर जाए ऐसा, 10 साल में गिरे ऐसा, कि 100 साल में गिर जाए ऐसा, कभी ना गिरे ऐसा मकान बनाना है, खुद का मकान बनाना है। आत्मा का मकान कैसा है, कभी नहीं गिरेगा। बाकी बंगला मोटर गाड़ी तो सब आएगी और जाएगी, जरा झटका लगेगा ना तो यहाँ झटका लगता है, वैगन आपको थोड़ा झटका लग जाता है ना तो इधर झटका लगता है, थोड़ा भी चुरका भी नहीं लगना ऐसा है, तो वो अपना नहीं है। तेती तेवो आत्मानु स्थान रहठान थी सकता नहीं, अर्थात तेवो आत्मानु पद नहीं। जे आ स्वसंवेदन रूप ज्ञान, जब यहाँ से अपन छोड़ देते हैं क्योंकि ये मेन इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ तो लेता हूँ, इतना अट्रैक्शन है इसके अंदर। जे आ स्वसंवेदन रूप ज्ञान छे ते नियत छे, एक छे, नित्य छे, अव्यभिचारी छे, आत्मा स्थायी छे, अने आ ज्ञान पण स्थायी छे, तेथी ते आत्मानु पद छे, ते एक ज ज्ञानियों वडे आस्वाद लेवा योग्य छे। ए वचन इतने इम्पोर्टेंट है, अव्यभिचारी छोड़ के कभी जाता नहीं, अव्यभिचारी छोड़ के जाने वाले क्रोध मान माया लोभ भक्ति के भाव आदि, और ये ज्ञान कभी छोड़ के नहीं जाता, अपने स्वामी के साथ ही रहता है, ज्ञायक के साथ तन्मय है, जानता सारी दुनिया को है लेकिन तन्मय किसके साथ है, ज्ञायक के साथ, ज्ञायक को छोड़कर, ज्ञायक धक्का मारे तो भी नहीं निकलता है। देखो उसका स्वामी बोले कि तुम निकल जा मेरे घर से भाग, मैं आपके शरणों में रहता हूँ, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, वो ज्ञायक को छोड़ करके ज्ञान कभी जाता। इसका विस्तार करने योग्य ये जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, इसमें कमाल है, जो भी है अगर इसका सही अगर भाव निकल गए तो सुन करके अनुभूति हो जाएगी, ऐसा है जबरदस्त है ये। नहीं अभी तो टाइम होगा, कल निकाले सुख दाम नंद सुसंत चरि।